मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू है, बावजूद इसके वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद है, आए दिन कुछ न कुछ वारदात सामने आ रहे हैं। एक और नेता प्रतिपक्ष पर हमला हुआ तो दूसरी तरफ गार्ड को छुरी मार दी गई। हालांकि पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ लिया तो उसकी जमकर पिटाई भी की। ये पूरा मामला तलैया थाना क्षेत्र का है, जहां मोती मस्जिद स्थित निर्माणधीन बिल्डिंग के गार्ड पर देर रात छुरी से जानलेवा हमला हुआ है। आरोपी बिल्डिंग में चोरी करने की नीयत से अंदर घुसा था, तभी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसे छुरी मार दिया, जिससे गार्ड लहूलुहान हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर डंडों से पिटाई भी की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रहम की भीख मांग रहा है, जबकि खुद दूसरों पर छुरा घोंप रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। बता दें कि श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में भोपाल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष जबिस्ता जकी और पति कांग्रेस के कार्रवाई जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर भी जानलेवा हमला किया गया। दोनों को लहूलुहान हालत में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर विवाद है। भोजपाला इन लोगों ने साफ होना था।